स्वप्न शास्त्र के अनुसार सोते समय देखे गए हर सपने का कुछ न कुछ मतलब जरूर होता है, जिन्हें समय रहते पहचान कर व्यक्ति होने वाली अनहोनी से खुद को बचा सकता है। रात में नींद के दौरान सपने देखना एक आम बात है। सपने देखना हमारे वश में भी नहीं होता। स्वप्न शास्त्र के अनुसार आपके जीवन में क्या शुभ होगा क्या अशुभ होगा इसका सपने संकेत देते हैं। अगर आप सपने में ये चार चीज़ें देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपका जीवन बदल सकता है। आइए जानते हैं इन सपनों के बारे में। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में कौवा देखना धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। इसका मतलब यह होता है कि आपको वह धन प्राप्त होगा जो पुराने समय से आपका बकाया हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस सपने का मतलब है कि आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में गुलाब का फूल देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनने वाली है और आपको धन का लाभ होगा। आपकी मानसिकता बदलने वाली है, आपको कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है। ऐसा सपना आपके जीवन को खुशियों से भर देता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर सपने में आपको साधु संत नजर आए तो यह सपना बेहद शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आप आर्थिक कठिनाइयों से दूर रहेंगे, आपको धन का लाभ मिलेगा और संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा होगा। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर सपने में आप खुद से बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ है ईश्वर आपको अंतर्मन के जरिए नई दिशा दिखा रहे हैं। इस सपने का अर्थ होता है कि ईश्वर आपके साथ हैं और जीवन में आने वाली समस्याओं को खत्म करने के लिए वे आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।